नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वॉकर के लिए, ऑपरेट के बाद, ऑपरेशन के बाद कैसे वॉकर से चला जाता है, जिसे हम गेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है गेट ट्रेनिंग में आपने करना क्या है, जैसे ये वॉकर है ऐसे किसी चीज़ का सहारा ले लेना है, ऐसे सहारा लेने के बाद हमने एक टांग उठानी है, पीछे हमने अंगूठा टच करना है, ऐसे जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ ऐसे अंगूठा पीछे टच करना है और फिर पैर आगे ले आना है, उठा के ऐसे ही पीछे लेके जाना है, ऐसे ही आगे लेके आना है, ऐसे ही पीछे, ऐसे ही आगे, ऐसे आप 50 सेट करोगे और दिन में कम से कम 2 बार करोगे दोनों पैरों के लिए, ऐसे फिर ऐसे। सहारा लेने के बाद ऐसे आप खड़े खड़े चलने की कोशिश करोगे, टांग को मूवमेंट में लाने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों ये है पहला स्टेप गेट ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद वॉकर आप ऐसे रखोगे और उसके बाद क्या करना है, आपने अपना जो बॉडी का वजन है वो आधा वेट आप वॉकर के ऊपर दे दोगे दोनों हाथों के जरिए। उसके बाद आपके दोनों पैर बराबर रहेंगे, वॉकर को उठाओगे, फर्स्ट स्टेप लोगे, पैर ऐसे उठा के चलोगे ऐसे, और फिर दूसरा पैर उठा के ऐसे, फिर वॉकर आगे लोगे, फिर एक पैर उठा के चलोगे, फिर दूसरा पैर उठा के चलोगे। तो दोस्तों ये रहेगा वॉकिंग स्टाइल आपका वॉकर के साथ, क्योंकि दोस्तों जब हम वॉकर के साथ चलेंगे ऐसे पैर उठा के हमने चलना है, क्योंकि अगर हम पैर उठा के नहीं चलेंगे तो वो प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं रहेगी और हो सकता है कि जमीन में थोड़ा उबड़ खाबड़ हो और उसके बाद हमारा पैर भी उसमें उबड़ खाबड़ में टकरा सकता है। तो दोस्तों ये है वॉकर के साथ चलने का तरीका जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो है कि वॉकर के साथ आपने कैसे चलना है और कैसे आपकी गेट ट्रेनिंग का पहला स्टेप रहेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी के साथ।